धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता संतोषी भगवान श्री गणेश की पुत्री है। माता संतोषी का व्रत पूजन करने से धन, विवाह, संतान आदि भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू किया जाता है। सुख सौभाग्य की कामना से माता संतोषी के 16 शुक्रवार तक व्रत रखे जाने का विधान है। तो भक्तजनों, आइए श्रवण करते हैं शुक्रवार व्रत कथा की विधि। शुक्र ग्रह से पीड़ित व्यक्तियों को इससे छुटकारा पाने के लिए शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। यह किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से आरंभ कर 21 या 31 व्रत तक करना चाहिए। व्रत वाले दिन अजीत चूर्ण मिले जल से स्नान करके यथासंभव श्वेत वस्त्र धारण कर द्रा द्री द्रौ सह शुक्राय नमः मंत्र का 3 माला जप करना चाहिए। तत्पश्चात शुक्रवार व्रत कथा पढ़नी चाहिए। इस दिन लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं और खीर खाएं। सफेद गाय की सेवा करें और उसे भी खीर खिलाएं। अंतिम व्रत के दिन गूलर की समिधा से हवन करें। इसके अतिरिक्त शक्कर, सुपारी, सफेद फूल, सफेद वस्त्र, सफेद चंदन, श्वेत नैवेद्य, चावल, दूध, खीर से श्री लक्ष्मी जी की पूजा करें और इन पदार्थों का कुछ अंश ब्राह्मण के लड़कों में बांट दें। आइए अब श्रवण करते हैं शुक्रवार व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि 1 निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों के लिए खाना बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचता वह 7वें बेटे को देती। 7वां बेटा एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। उसकी पत्नी बोली, क्यों नहीं, इसीलिए तो वो तुम्हें सबका जूठा खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से ना देख लूं नहीं मान सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया, घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। माँ की परीक्षा लेने के लिए वह सिर दर्द का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में जा सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। थोड़ी देर बाद 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाकर विभिन्न प्रकार के पकवान परोसे और आग्रह करके उन्हें खूब खिलाया। 7वां बेटा देखता रहा। 6 बेटे जब भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। बहू गौशाला के उपले थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमरू सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी आपकी देख धरू मैं धीर, सुध हमारी मत बिसराइयो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर से भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की एक थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से
10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7 से 8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करवा कर उसे लकड़ी लाने के लिए जंगल में भेजते। घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर उसे खाने के लिए दिया जाता तथा पीने के लिए फूटे नारियल के खोपरे में पानी दिया जाता। एक दिन सातवी बहू लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों, तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब सातवी बहू ने उससे व्रत की विधि पूछी। वह बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 1.25 आने का लेना या 1.25 रुपए का, जो भी सहूलियत हो उसे लेना। बिना किसी परेशानी के पूरी श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच में क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे होते हैं तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी के बराबर खीर तथा चने का साग रखना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। लड़कों में जहाँ तक संभव हो सके लड़कों में व्रतधारी का देवर, जेठ, भाई बंधु के हो उन्हें ही बुलाना चाहिए। ये ना मिलने पर रिश्तेदारों और आस पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना चाहिए। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा भी देनी चाहिए। उस दिन घर में खटाई नहीं खानी चाहिए। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले संतोषी माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर बहू माता के मंदिर में जाकर माँ के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता, जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता संतोषी को दया आई। एक दिन शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी के मुंह सिकुड़ने लगे, लड़के ताने देने लगे और भाई, अब तो काकी के पास पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी बहू अति सरलता से कहती, भैया, कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुझसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे का क्या काम है?
मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आवेगा। बहू यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आवेगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता, सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आ गया है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ है, बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे त्रास दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी, ये तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर, दुकान पर जा बैठ, देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे में भरे सामान के खरीदार नकद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त वह रोज की भांति माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। कुछ देर बाद धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के तीन बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा, तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के तीन गट्ठर बनाई, एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। इसी तरह रुक रुक कर भोजन बना, विश्राम करके वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए बहु उतावली सी आती है, लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से तीन आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती, चार पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की ताली दो।
उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। तब उसने दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान वहां जमा दिया। एक दिन में राजा के महल में जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहु सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से करो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के खीर खाने आए, पेट भर खीर खाई, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, खीर देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। बोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली की खटाई लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ के ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा, जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ, रोती हुई माता जी के मंदिर गई। कहने लगी, हे माता, तुमने यह क्या किया, हंसाकर अब अपने भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन कर मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने जो कुछ अपराध किया है मुझे क्षमा करें, मैंने तो भूल वश लड़कों को पैसे दिए थे, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब कोई भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वही पूछी, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स जो राजा ने मांगा था वही भरने गया था। वह प्रसन्न हो उठी और बोली, भला हुआ, चलो अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, फिर मुझे माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। संतोषी माता की कृपा होते ही नवे मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने सना मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिन्न भिन्न कर रही थी। उसकी देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल डाकिन आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी घर आई है, जब बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माता के प्रकोप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है, जग माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई, बहू को प्रसन्न होने का आशीर्वाद दिया।